दर्द का दरमान है हम दर्द है रमजान मोमिन क्यों पर। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हजरात मोहतरम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज दिल परेशान है। परेशानी की बात यह है कि आज एक अल्लाह तबारक तआला के बहुत बड़े वली अल्लाह, मुहद्दिस, मुफ्ती, बहुत बड़े तजर्बाकार आलम दीन का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हदीस पाक में है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आलम दीन का चला जाना ये पूरी दुनिया का चला जाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौतिल आलिम मौतिल आलम, एक आलिम की मौत पूरी दुनिया की मौत होती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी है। जी, अपने घर वालों के जाने पर इतना अफसोस नहीं होता है जितना कि एक आलिम दीन, एक मुहद्दिस, एक मुफ्ती, एक अल्लाह के वली का जब दुनिया से जाना होता है तो दिल अंदर से परेशान होता है। रब कायनात उन पर रहम फरमाए, करम फरमाए, उनकी क्या कहते हैं दर्जे बुलंद फरमाए, उनके सदक़े में हमारी मग़फ़रत फरमाए, उनके लिए मग़फ़रत फरमाए। ये कौन है तो मैं आपको बता दूँ। हज़रत का तारुफ थोड़ी सी शॉर्ट बायोग्राफी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। महबूब कुतुब मदीना, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती अब्दुल हलीम अशरफ़ी रज़वी, बानी जामिया ज़ियाया फैज़ुर रज़ा ददरी, सीतामढ़ी बिहार। ये सीतामढ़ी बिहार में पैदा हुए। पैदा तो बिहार में हुए थे मगर ये बसते थे, रहते थे हर सुन्नी मुसलमान के दिल में। इनकी बड़ी खिदमात हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया। और बरेली शरीफ आला हज़रत अज़ीम बरकत की बनाई हुई यूनिवर्सिटी जामिया मंजर इस्लाम में इन्होंने तालीम हासिल की। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सुबहानल्लाह, आपके ज़माने में आप रहे मदरसे में, वहाँ पढ़ाया भी। हुजूर ताज़ शरिया के वालिद गिरामी से भी इन्होंने पढ़ा है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से भी फ़ायदा उठाया है। और एक मौके पर मंजर इस्लाम में क्या कहते हैं बरेली शरीफ में सरकार आला हज़रत अज़ीम बरकत के उर्स के मौके पर आप मुहद्दिस आज़म हिंद कछोच भी हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद मोहम्मद अशरफ़ी अल रहमा से मुरीद हुए, तो आपको अशरफ़ी घराने का भी फैज़ान मिला। आपको बरेली शरीफ दरगाह आला हज़रत ख़ानदान आला हज़रत का भी भरपूर फैज़ान मिला। इसके अलावा आप कुतुब मदीना हुजूर सैयदना सरकार मुफ्ती ज़ियाउद्दीन मदनी के भी खलीफा थे, और आप मुहद्दिस आज़म बिहार मुफ्ती एहसान अली के भी खलीफा थे। मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लामा हबीबुर रहमान के भी आप खलीफा थे। बहुत ही खिदमात हैं, आपने बड़े फतवे दिए। बरेली शरीफ में जी आला हज़रत अज़ीम बरकत की बनाई हुई यूनिवर्सिटी जामिया मंजर इस्लाम में आपने पढ़ा है, आपने वहाँ पढ़ाया भी है, और आपने वहाँ फतवे भी दिए हैं। और भी बहुत सारे मदारिस में आपने फतवे दिए हैं। बाकायदा आपकी शायरी है, आपका इश्क है, आपकी मोहब्बत है। और आपके बड़े आपके साहबजादे हज़रत मुफ्ती यहया रज़ा नूरी मिसवाही ने आपके फतावा की पूरी बुक तैयार फरमाई है, जिसका नाम है फतावा हलीमिया। उसमें बहुत सारे आपके फतावे मौजूद हैं। तो बड़ा अफसोस है, देखिए इस कोरोना में बहुत सारे हमारे उलमा, हमारे क्या कहते हैं मुहद्दिसीन इकराम दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे हैं। अल्लाह तआला की बारगाह में दुआ है, रब कायनात हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हलीम रज़वी अशरफ़ी अल रहमा के घर वालों को सब्र व सुकून अता फ़रमाए, और सब्र व सुकून पर रब कायनात बेहिसाब रहमतें, नियमतें, बरकतें अता फ़रमाए। हम सबको जाना है दुनिया, सब कुछ जाने के लिए आए हैं, मगर अफसोस उनका होता है जिनसे दुनिया पर बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके लाखों शागिर्द हैं जी, लाखों शागिर्द हैं, और एक तरह से क्या कहते हैं आप हर अहले सुन्नत वल जमात के बहुत बड़े सरपरस्त घर वाले थे। रब कायनात उनकी कब्र पर बेहिसाब रहमतें बरकतें अता फरमाए। दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला ने फरमाया है, हदीस पाक का मफहूम है कि आलिम को देखना, उसका चेहरा देखना मुझे देखना है, उससे मुसाफा करना मुझसे मुसाफा करना है। लिहाजा आलिमों से मोहब्बत कीजिए, उलमा अहले जमात से मोहब्बत कीजिए। ये हमारे सरमाया हैं, ये हमारी संपत्ति हैं, ये हमारी दो दीन और दुनिया दोनों जगह की
क्या है, दौलत है। उलमा के करीब हो जाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो आलिम बन जाओ, आलिम नहीं बने हो तो फिर अब इल्म दीन सीखने वाले बन जाओ, तालिब इल्म बन जाओ। ये भी नहीं कर सकते हो तो आलिमों की बात सुनने वाले बन जाओ, ये भी नहीं कर सकते तो आलिमों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। ये चार स्टेप हो गए। हुजूर ने फरमाया उलमा अहले सुन्नत वल जमात के मुखालिफ बन बनना, वरना हलाक हो जाओगे। तो मैं अब आपसे रुख्सत होना चाहता हूँ। मैं वीडियो तो दूसरी बनाने वाला था, फ़िलहाल मैंने इस पर काम शुरू कर दिया है। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं हर दिन ताज़ा अपडेट आपको देता रहता हूँ, नए बातें, औलिया इकराम के उर्स की तारीखें, उनके विसाल, उनकी जीवनी, उनकी हयात, उनकी बायोग्राफी। आपसे गुजारिश है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और माईमाम यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यह आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह बदल देगा और आपको दोनों जहान में फ़ायदा जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।